Sandip sir, how was your experience over here? Oh, it was fantastic. The energy is so fabulous. इतने हजारों लोग यहाँ पे आए हुए हैं. And I'm so amazed to see जिस तरह से सर ने पूरे हिंदुस्तान को ऐसा जोड़ रखा है. I think this is the best symbol of being Indian. मैम आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं अभी जब बात कर रही थी उनसे तो इतना सब टीम को एक साथ लाना, आई थिंक इट्स क्वाइट अ टास्क सर. और वेरी क्रेडिटेबल एंड वेरी हैप्पी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इसका एक हिस्सा बनाया. थैंक यू सो मच सर. संदीप सर, एक डांसर या फिर एक कोरियोग्राफर और क्रिकेट, इसमें बहुत एक सिमिलैरिटी है. मैं वो कैसे दिखता हूँ कि डांस में फुटस्टेप्स होते हैं, क्रिकेट में भी फुटस्टेप्स होते हैं, इस दोनों चीज़ों को कैसे कोरिलेट करेंगे आप? अगर करने चाहे बट आई थिंक जिंदगी हो, स्पोर्ट्स हो, डांस हो, कहीं ना कहीं भी कोरियोग्राफी जो होती है हमेशा रहती है. और अगर आप एक पर्टिकुलर स्टेप करते हैं डांस का तो उससे आपका एक डांस निकलता है. सेम भी अगर आप पर्टिकुलर स्टेप करते हैं क्रिकेट में, उससे आपकी एक पर्टिकुलर स्ट्रोक निकलती है या पर्टिकुलर बॉल निकलती है. तो आई थिंक जिंदगी में स्पोर्ट्स और डांस हमें जुड़ा रहता है. एंड आई एम सो हैप्पी कि यहाँ पे जिस तरह से लोग बॉडीज मूव कर रही हैं, समवे हैज रिजेंबलेंस ऑफ एथलेटिक्स, समवे हैज रिजेंबलेंस ऑफ डांस टुगेदर. एंड दैट्स व्हाट इंडिया इज ऑल अबाउट, स्पोर्ट्स एंड डांसिंग. जो यहाँ पे पूरी तरह से मैनेजमेंट आप देख रहे हैं, संजय पुतनी सर और अनिल परब जी ने किया हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? आई थिंक इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज. इतना डिसिप्लिन है, कोई यहाँ पर मतलब इट्स लाइक वेल बिहेव्ड क्राउड है और बहुत ही उत्सुक सा देख रहे हैं उन लोग सब. इस वक्त, इस रात के इस वक्त आए हैं तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुआ हमें, इतना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं. और आई थिंक इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज, वेरी वेल मैनेज्ड. बिल्कुल सर. अजून आपल्याला काय बघायला मिळणार आहे? उद्याचा दिवस आपल्याकडे आहे, अजून नवीन काय? मी सर्वप्रथम माझ्याबरोबर जे फिल्म इंडस्ट्रीमधले लोक आहेत, तुम्ही प्रश्न विचारला की डान्स आणि स्पोर्ट्समध्ये आणि क्रिकेटमध्ये काय सिमिलरिटी आहे, मी असं म्हणेन की डान्स आणि क्रिकेट या स्पोर्ट्स कोई भी, दोघांमध्ये रिदम आवश्यक आहे. दोघांमध्ये रिदम असेल तेव्हाच गोष्ट साध्य होऊ शकते. म्हणून डान्स आणि हे स्पोर्ट्स याच्यामध्ये रिदम दोघांमध्ये असेल तर आपण चांगलं उत्कृष्ट खेळू शकतो. उद्या आपण एक सेलिब्रिटीची मॅच ऑर्गनाईज केलेली आहे, ती मॅच एक्झिबिशन मॅच आहे. त्याच्यामध्ये संदीप पाटील, चंद्रकांत पंडित, दिलीप वेंगसरकर हे मोठे मोठे दिग्गज खेळाडू इंडियाचे खेळत आहेत. आणि दुसऱ्याकडून बॉबी देवल आहे आणि बरंच मुंबई हिरोजची टीम जी आहे ती पूर्ण खेळते. त्यामुळे मला वाटतं मुंबईच्या या सांतवीच्या स्टेडियममध्ये भरपूर लोक ते आनंद घेण्यासाठी येतील. आणि असे सेलिब्रिटी आपल्याबरोबर असल्यानंतर मला वाटतं प्रेक्षकांचा काही तोटा नाही. सर ने कहा कि सेलिब्रिटी क्रिकेट मैच होने वाली है कल, जहाँ पे बहुत से फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज़ हैं और क्रिकेट जगत के भी जो खेल चुके हैं वो खेल रहे हैं, कि आप उसमें टीम में आना चाहेंगे सर? वेल, जितना डांस में अच्छा है उतना क्रिकेट में अच्छा नहीं है. तो अगर मैं आ गया तो हम लोग शायद बॉलीवुड को लूज़ करा दें. तो आई वुड रादर जस्ट बी एक्सपेक्टेटर, आई वुड रादर जस्ट कम एंड एनकरेज एंड चीयर, दैट्स व्हाट आई थिंक आई एम हियर फॉर. सर आपके साथ फ्रेंच एक्टर डायरेक्टर आए थे, हमें उनको भी बुलाना है यहाँ पर. प्लीज 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 कॉल प्लीज. आई कांट स्पीक फ्रेंच दैट वेल. यस प्लीज. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ओवर हियर? इट्स वेरी नाइस एक्सपीरियंस बिकॉज इट्स माय फर्स्ट क्रिकेट मैच. आई कम फ्रॉम फ्रांस एंड इट्स माय फर्स्ट cricket tonight. This is his first experience. France is well known for football. So how was your experience over here watching cricket? Yes, it's I go to India for new experience, and tonight is a very new experience. Yes. Thank you so much for coming over here. Thank you so much, Sandeep sir. Thank you so much, man.